सो लेट्स स्टार्ट विद जूलॉजी. ठीक है, जूलॉजी यूनिट वन. यूनिट वन में जूलॉजी के दो चैप्टर हैं. चैप्टर वन एक आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो बहुत जनरल है. उसमें इंट्रोडक्शन है कि वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल फेज होता है, सेक्सुअल फेज होता है. उसमें से नीट के क्वेश्चन आते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. हम अभी उस चैप्टर को स्किप करके अभी हम स्टार्ट करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ में. ठीक है, वो चैप्टर हम इसके बाद में करेंगे और वो वैसे भी इसमें कवर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन. देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन फर्स्ट, इसको हम तीन स्टेजेस में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट स्टेज इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज. प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तीन फेज है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. एज विद द नेम क्लियर, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का पार्ट है, फिर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स एंड एक प्रोसेस होता है गैमेट फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेट्स जब बन जाएंगे, जेनेसिस इज द फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. तो हम इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओवम. ठीक है, इसके बाद एक्चुअल फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं सिनगैमी. सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर्स हमने आज पढ़ने. अब स्टार्ट करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम जो आपके बुक में है उसको बाद में करेंगे, पहले हम इसका बेसिक देखते हैं. बेसिक आपने जूनियर क्लास में किया था, क्लास टेंथ में. क्लास टेंथ में एक रिप्रोडक्शन था. ठीक है, बेसिक आपने वहां किया था. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? टेस्टिस. अब देखिए, सपोज दिस इज द ह्यूमन बॉडी. सपोज इफ इट इज द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में, मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है? टेस्टिस. ठीक है, इतना तो पता होगा. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? टेस्टिस. अब बात आती है कि टेस्टिस कहां पर है? यहां पर. बॉडी में टेस्टिस की पोजिशन कहां पर है? अब बात आती है टेस्टिस करता क्या है. ठीक है, तो टेस्टिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म. टेस्टिस से क्या आते हैं बेटा? स्पर्म. अब टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 to 3 degree टेम्परेचर लेस चाहिए एज कंपेयर विद द बॉडी टेम्परेचर. जितना भी बॉडी टेम्परेचर है उससे टेस्टिस को 2 to 3 degree टेम्परेचर क्या चाहिए? कम. ठीक है, अब बॉडी में रहकर भी ऐसा एरिया, ऐसा रूम कहां से ढूंढे जहां पर 2 to 3 degree टेम्परेचर कम मिल जाए. ठीक है, इसके लिए क्या यहां पर अरेंजमेंट हुई है? टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम. ठीक है, तो टेस्टिस को हमने ह्यूमन बॉडी में ना रख के वी हैव प्लेस्ड और दे आर हैंग डाउन इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रॉटम. ठीक है, तो स्क्रॉटम क्या है? इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, विच इज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, क्यों रखा इसको हमने? इन ऑर्डर टू प्लेस द टेस्टिस. अब टेस्टिस को बाहर क्यों रख रहे हैं? बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर 2 to 3 degree टेम्परेचर कम चाहिए उसको एज कम्पेयर विद द बॉडी टेम्परेचर. सो टेस्टिस आर प्लेस्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम. एंड मेल हैज अ पेयर ऑफ टेस्टिस. कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो स्क्रॉटम बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है. ठीक है, जब हम डिटेल में करेंगे तब हम देखेंगे. अगर
बॉडी टेम्परेचर कम है, ठीक है, या ऐसे समझिए अगर टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो गया और उसका टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो इट विल मूव टूवर्ड्स दी क्लोजर टू द बॉडी, ये बॉडी के थोड़ा क्लोज चली जाएगी इन ऑर्डर टू गेन द हीट, ठीक है। ऑपोजिट होगा, इट कैन मूव अवे फ्रॉम द बॉडी अगर इसको कूल डाउन होना है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ सर्टेन मसल्स होंगी जो इसकी मूवमेंट करेंगे टूवर्ड्स द बॉडी एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड दोज मसल्स आर नोन एज डार्टोस एंड क्रिमेस्टर मसल। अब ये क्या मसल्स हो गई, डार्टोस और क्रिमेस्टर मसल्स, ये कुछ ऐसी मसल्स हैं जो कहाँ एसोसिएटेड हैं विद द टेस्टिस, और ये टेस्टिस की मूवमेंट करती है इधर टूवर्ड्स द बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है टेस्टिस बॉडी के बाहर है तो बॉडी से इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा, तो बॉडी से कनेक्शन होता है इसका एक ट्यूब से, एंड दैट ट्यूब इज नोन एज इनगुइनल कैनाल, दैट कैनाल इज नोन एज इनगुइनल कैनाल। इनगुइनल कैनाल वो कैनाल है जिससे आपकी टेस्टिस बॉडी के बाहर हैंगड है, कनेक्टेड है। इतना क्लियर है। कुछ केसेस में, कुछ ऑर्गेनिज्म में हमने देखा टेस्टिस फेल टू डिसेंड डाउन, टेस्टिस स्क्रॉटम में बाहर आई नहीं, वहां क्या होगा, टेस्टिस स्पर्म तो बनाएंगी लेकिन वो स्पर्म उतने टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो समटाइम्स टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम एंड दैट कंडीशन इज नोन एज, एनीवन पता है किसी को, क्रिप्टोकाइडिज्म। इट्स अ कंडीशन व्हेन व्हेन टेस्टिस फेल टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रॉटम, जब टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं आ पाती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकाइडस। इतना क्लियर है। इंग्विनल कैनाल से कनेक्टेड होती है और अगर नहीं आ पाती तो उस बीमारी को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइडस, ठीक है। नेक्स्ट डार्टोस और क्रिमेस्टर मसल से ये अपना मूवमेंट कर सकती है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रही है, स्पर्म। अब वो स्पर्म्स को बाहर तक लेके आना पड़ेगा तो देयर शुड बी सम पाइप और डक्ट जो स्पर्म्स को यहां से लेके कहां तक आए बेटा, बाहर तक। से कनेक्टेड नहीं है, ये हो गया डायग्राम, ठीक है। तो दिस कैनाल विच कैरी दी स्पर्म, क्या बोलेंगे इसको, स्पर्म, और कैनाल को हम क्या बोलते हैं, डक्ट। तो स्पर्म डक्ट, या इसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस इज अ पाइप और अ डक्ट जिसके थ्रू स्पर्म्स बॉडी के बाहर आ रहे हैं। क्रिप्टोकाइडिज्म में टेस्टिस फेल कर जाती है, बाहर नहीं आती, दैट मे बी हार्मोनल रीजन, दैट मे बी अदर रीजन, अभी हम करेंगे डिसऑर्डर्स तो आई लेट यू नो। तो सॉरी, तो स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस, वो ट्यूब है, सॉरी वो ट्यूब है या वो पाइप है जिसके थ्रू स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं। इतना क्लियर है, कोई डाउट। अब कहीं पर यहाँ पर स्पर्म्स बीच में स्टिक ऑन ना हो जाए, स्टिक ऑन का मतलब हो सकता है यहाँ पर स्पर्म्स रुक गए, बाहर ही नहीं आ पाए, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या करना है, कुछ भी करके लिक्विड मीडियम देना है सो दैट कि स्पर्म्स इजीली बाहर तक आ जाए। टू प्रोवाइड दैट लिक्विड वी हैव सर्टेन ग्लैंड्स, मेल के पास क्या है बेटा, सर्टेन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के नाम क्या क्या हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड। इतना क्लियर है। जब स्पर्म्स बाहर आ रहे थे तो वो किसी पाइप में बीच में स्टिक ऑन ना हो जाए तो उनको हमने क्या प्रोवाइड किया, लिक्विड मीडियम,
लिक्विड ऐसा है जो उनको नरिशमेंट देगा, मोटिलिटी देगा, उनको हेल्प करेगा टू रीच अप टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो वहां तक उसको भेजने के लिए मुझे उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करना पड़ा, ठीक है। वो लिक्विड कहाँ से आएगा? वेरियस ग्लैंड्स, एंड ग्लैंड्स कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब तो जो भी बाहर आएगा दैट विल बी स्पर्म इन लिक्विड इज नोन एज सेमिन। तो सेमिन क्या है? स्पर्म जब लिक्विड मीडियम में आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? सेमिन, ठीक है। अभी सेमिन की कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, धीरे धीरे मैं एक लेवल इंक्रीज करूंगी, पहले समझ लीजिए व्हाट इज देयर एग्जैक्टली है क्या क्या, ठीक है। इन केस ऑफ मेल देयर इज सिंगल ओपनिंग, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, इन केस ऑफ मेल देयर इज सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ यूरिनरी ट्रैक एंड फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मीन्स यहीं से सेमिन आया और यहीं से क्या आएगा? यूरिन। तो कॉमन ओपनिंग है, लेकिन इनकेस ऑफ फीमेल दो अलग अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। एक वेजाइनल ओपनिंग होती है फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है फॉर यूरिनेशन, लेकिन इनकेस ऑफ मेल इट इज ओनली वन कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम मीटस बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं इसको, हम डिटेल में अभी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर की भी ओपनिंग होगी इसी पाइप में, यूबीएस यूरिनरी ब्लैडर। बट यस, एट वन टाइम इधर स्पर्म विल कम, सेमेन मीन्स और यूरिन विल कम। अब देखो होता क्या है, अगर यहां से पहले यूरिन पास आउट हुआ तो यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, तो ये जो पूरा कैनाल है, ये जो पूरा पाइप है, ये क्या हो जाएगा बच्चे? एसिडिक हो जाएगा। अब उस एसिडिक मीडियम में अगर सोचो स्पर्म आएंगे तो स्पर्म तो यहीं मर जाएंगे, वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक तो उसको जा ही नहीं पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंट ग्लैंड्स है ये अपनी सिक्रीशन देते हैं। तो सेमेन आने से पहले एक नॉर्मल सिक्रीशन आती है, वो इस मीडियम को, इस रास्ते को क्या करती है, पहले न्यूट्रलाइज। एल्कलाइन सिक्रीशन होती है क्योंकि यहां पर एसिडिक है, यूरिन एसिडिक है, तो एल्कलाइन सिक्रीशन आएंगे चीजों को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज। उसके बाद एक्चुअली में सेमेन आएगा, ठीक है। अभी एक एक करके करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हमें डिटेल में एक एक करके ये स्ट्रक्चर्स करने हैं बेटा, ठीक है। आप ये नोट कीजिए, फिर मैं टेस्टिस से स्टार्ट करूँ। टेस्टिस के स्ट्रक्चर से, ठीक है, देखिए नाउ दिस इज वन टेस्टिस। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स। एक टेस्टिस में क्या है, 250 कंपार्टमेंट, जैसे ये दिखा रखे हैं अभी, कितने हैं सामने आपके? दो। ऐसे कितने मिलेंगे टोटल? 250। दैट मींस ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 कंपार्टमेंट एंड दोज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, that means each testis consists of 250 compartments and these compartments are known as testicular lobules. अब मैं यहां में शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है। Each testicular lobule consists of seminiferous, highly coiled seminiferous tubule, 2 to 3, 2 to 3 seminiferous tubule, ठीक है। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतना क्लियर है, ठीक है। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स है वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड विद, दीज आर लाइंड विद 2 टाइप ऑफ सेल्स, मतलब इनके अंदर 2 टाइप के सेल्स हमें मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं बेटा स्पर्म मदर सेल एंड नेक्स्ट इज
सर्टोलिसन, सर्टोलिसन, ठीक है। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें दो टाइप के सेल्स मिले, कौन कौन से, स्पर्म मदर सेल एंड सर्टोलिसन्स। अब ये क्या करते हैं, स्पर्म मदर सेल्स बेसिकली इनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, बाद में करेंगे। बेसिकली क्या बनाएंगे, स्पर्म, और ऐसा करने के लिए ये इनको क्या देंगे, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, ठीक है। तो सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे किसको, स्पर्म मदर सेल्स को, और स्पर्म मदर सेल्स क्या करेंगी, स्पर्म बनाएंगी। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, स्पर्म्स गेमीट हैं और गेमीट हैप्लॉइड नेचर की होती हैं, और स्पर्म मदर सेल्स कौन सी होंगी, डिप्लॉइड, दैट इज 2n, और जो स्पर्म बनेंगे वो क्या होंगे, n। तो 2n से n पे आने के लिए हमें कौन सा डिवीजन करनी है, मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस। तो मियोसिस करके हम 2n से n पे आ जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम अलग से डिटेल में करेंगे। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल्स हैं, एक स्पर्म मदर सेल्स और एक सर्टोली सेल्स। स्पर्म मदर सेल्स विल अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म बनाने के लिए उनको जो नरिशमेंट चाहिए, जो खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, दैट विल बी सपोर्टेड बाय द सर्टोली सेल्स, ठीक है। इतना क्लियर है। ये कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला था, टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में अभी तक हमने क्या देखा, 2 to 3 हाईली कॉइल्ड क्या होंगे बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब दोनों टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच में आपको कुछ स्पेस दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। और बीच वाले स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, इंटरस्टीशियल स्पेस। इंटरस्टीशियल स्पेस में जो सेल्स होंगे उनको इंटरस्टीशियल सेल्स बोलेंगे। इंटरस्टीशियल स्पेस में जो सेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टीशियल सेल्स, इंटरस्टीशियल सेल्स बोलो, या उनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। तो अभी तक आपने 3 टाइप के सेल्स पढ़े, एक स्पर्म मदर सेल, एक सर्टोली सेल और एक लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स कहां प्रेजेंट है, इंटरस्टीशियल स्पेस, क्लियर। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एक हार्मोन, और मेल हार्मोन को हम एंड्रोजन, इसको हम बाद में करेंगे, हार्मोन्स एक बार अलग से करेंगे, ठीक है। मतलब ये लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन, सिंपल सी बात है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सर्टोली सेल नरिशमेंट, लेडिक सेल्स हार्मोन, और स्पर्म मदर सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ स्पर्म बन तो गए, अब स्पर्म्स को बाहर लाना है, ठीक है। दैट मीन्स ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ओपन होंगे कॉमन पैसेज में, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस इज नोन एज रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ठीक है। अभी तक हम कहां थे, 250 कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू रेटे टेस्टिस, तो इसमें से हम हाईलाइट कर देते हैं, अभी तक हमने क्या किया, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ पर होते हैं, टेस्टिस में, एंड दे ओपन इनटू, दे कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच ओपन इनटू रेटेड टेस्टिस। इतना क्लियर है। नाउ ये रेटेड टेस्टिस अब बाहर ओपन होंगे, इनकी सर्टेन ओपनिंग्स हैं, दीज ओपनिंग्स क्योंकि ये एग्जिट कर रही है, तो इनको हम बोलते हैं वासा एसेंशिया, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। जो एक्चुअली एग्जिट करेंगे, टेस्टिस से बाहर निकलेंगे, ई से याद रखना, एग्जिट कर रही है तो वासा डिफरेंशिया, ठीक है। इट विल नाउ ओपन इनटू अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर अगेन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की भी फर्दर डिविजन्स होती हैं, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉडा। एपिडिडाइमिस को हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज कैप्यूट, सेकेंड सेगमेंट इज कॉर्पस,
एंड थर्ड इज कॉडर. ठीक है, एपिडिडाइमिस के बाद फाइनली दिस स्ट्रक्चर ओपन इनटू या कनेक्ट टू वास डिफरेंस. आगे का तो आपको पता ही है, ये वास डिफरेंस, दिस वास डिफरेंस विल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ फिर बाहर खुल जाएगा. ठीक है, एंड दैट इजैकुलेटरी डक्ट इज नोन एज पेनिस.